कोरोना वायरस के संक्रमण के चेन को रोकने के लिए गोरखपुर किराना कमेटी ने 9 से 14 जुलाई तक किराना कमेटी की सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जिसके संबंध में गोरखपुर किराना कमेटी के अध्यक्ष उमेश चंद मदेशिया ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम लोगों ने किराना कमेटी के सदस्यों से बात करके यह सुनिश्चित किया है कि 9 जुलाई से गोरखपुर किराना कमेटी की सभी दुकानें 14 जुलाई तक बंद रहेंगी, जिससे कि मंडी में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए हम लोगों ने साहबगंज के सभी एसोसिएशन से सहयोग मांगा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए गोरखपुर किराना कमेटी के मंत्री अतुल कुमार अग्रवाल व अध्यक्ष उमेश चंद मदेशिया ने कहा, मेरा नाम अतुल कुमार है, अतुल कुमार अग्रवाल। किराना मंडी को बंद कैसे किया? अब इधर में हमारे मंडी में भी 2-3 केस फाइंड आउट हुए हैं और प्रशासन ने उसको मतलब सील भी किया है। एहतियात के तौर पे हम लोगों ने ये निर्णय लिया, मतलब जो कोरोना की चेन को तोड़ने के हिसाब से जो है कि हम लोग 5-6 दिन जो है अपनी मंडी को क्लोज कर दें, जिससे कि वो कहीं संक्रमण यदि फैल रहा है तो उसकी चेन अवरुद्ध हो जाए, वो टूट जाए जो है। इसी वास्ते आज हम लोग की जो मीटिंग थी हमारे अध्यक्ष के अध्यक्षता में और ये निर्णय हुआ कि 9 से 14 तक हम लोग अपनी दुकानें चुपन रखेंगे। उमेश चंद मदेशिया, अध्यक्ष गोरखपुर किराना कमेटी। गोरखपुर किराना कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हमारा किराना मंडी बृहस्पतिवार दिनांक 9/7/2020 से बंद रहेगा 14/7/2020 तक। और हमने चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स, बिस्कुट मर्चेंट एसोसिएशन, फुटकर गल्ला मंडी से उसके निमित्त सहयोग माना है, जिसमें चैम्बर की बैठक जो विश्व हमको बताए हैं कि कल हम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो साहबगंज की पूरी मंडी 9 तारीख से 14 तारीख तक बंद रहेगी, यह हमको जैसे लोगों से पता चला। लेकिन अगर ये लोग नहीं भी करते हैं तो किराना मंडी तो बंद ही रहेगी 9 तारीख से 14 तारीख।